हेलो टू स्टूडेंट्स, दिस इज निरंजन एंड वेलकम टू माय चैनल। जो माने चलित वर्ष अष्टम श्रेणी रे अध्ययन करुछंती सेमानक पई गोटे बड़ अपडेट आसी सारिछि। ओके, शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर तरफ गोटे नोटिफिकेशन जारी करा जाइछि। ओके, तो कौन अच्छी डिटेल्स वर्तमान आम आलोचना करवा। जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऊपर सेट कर देबो, जादरा कि आगामी जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड करा जाबो तो माने इजीली नोटिफिकेशन पाइबा सहित वीडियो को मध्य देखि पारिबो। तो देखो पिला माने एनएमएमएस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी हेछि, जाकु कि ओडिया रे कह जाउछि जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा। ओके, तो 2022-23 पई तार कौन डिटेल सब रहिबो, एग्जाम डेट कौन रहिबो, देन तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबो। ओके, तो सबू किछ आमे आलोचना करिबा, वीडियो को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखिबो आउ सांग साथी मान पाखू को वीडियो टी शेयर करनबो। तो देखो पले 2022-23 शिक्षा वर्ष रे 3314 जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति पई राज्य सरकारी और सरकारी सहाय्य प्राप्त विद्यालय रे अष्टम श्रेणी रे अध्ययन करथुबा योग्य छात्र छात्री मानक ठारु दरखास्त आह्वान करा जाउछि। ओके, तो टोटल स्कॉलरशिप अछि पिला माने 3314। ओके, एटा मेरिट लिस्ट आधार रे पिला मानकु स्कॉलरशिप दिया जिवो। ठीक अछि, एथि पई चलित 2022 डिसेंबर 4 तारिख रविवार दिन निम्न विवरणी अनुसार परीक्षा अनुष्ठित हेबो। ओके, यही तारीख रे परीक्षा टी करा जिवो। ठीक अछि पिला माने, देखो परीक्षा 2022-23 वर्ष पई आय भित्तिक जातीय मेधावृत्ति परीक्षा गोटे पर्याय अनुष्ठित हेबो। देन परीक्षा देय कौन रहिबो, फी कौन रहिबो देखिबा बर्तन। यही परीक्षा निमन्ते कौनसी देय देबाकू पड़िबो नाही, किंतु प्रार्थी माने परीक्षा केन्द्र को आसीबा खर्च निजे बहन करिवे। कौनसी प्रकार एग्जाम फी तमरो रहिबोनी, किंतु एग्जाम दबा पई तमे जहाँ भी किसी जीव एग्जाम सेंटर पहुँचब तो से जहाँ भी किसी खर्च हम सीटा निजे ही कर दे। देख पे परीक्षा देवाई सर्वनिम्न योग्यता कौन सब योग्यता रहा दरकार। तो देख आय भित्तिक जातीय मेधावृत्ति परीक्षा देवाई प्रार्थी जनरल एंड एससीबीसी जदि कैटेगोरी अच्छा ताले गत सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे मिनिमम 55% नंबर रखिथिबा को पड़िबो। देन जो माने रिजर्वेशन कैटेगोरी बिलोंग्स करुछथि, एससी होंतु, एसटी होंतु, फिजिकल हैंडीकैप्ड होंतु, तो सेमाने सेमानक पई एथिरे 5% कोहळ करा जिवो। अर्थात जनरल पिला माने एससीबीसी पिला माने 55% रखले बेले अन्य जो एससीएसटी पीएच कैटेगोरी पिला माने 50% रखिया को पड़िबो। ओके, को वर्ष ना सेवेन्थ क्लास रो जो एनुअल एग्जाम हेतिबो तो सेथिरे तमरो मिनिमम 55 आउ 50% रहिथिबा दरकार। ठीक अछि पिला माने, देन आउ बड़ कथा ला जे तुम्हें सरकारी स्कूल रे किंबा सरकारी सहाय्य प्राप्त विद्यालय रे पढ़ुथुबा दरकार। कौनसी जदि बेसरकारी स्कूल रे पढ़ुछ ताले एई परीक्षाटा देबा पई तुम्हें संपूर्ण रूपे कौन माने अयोग्य हो जीवो। ओके, माने दे पारिबो नै परीक्षाटी। ठीक अछि, तापर देखो प्रार्थी 2022-23 शिक्षा वर्ष रे राज्य सरकारी किंबा सरकारी सहाय्य प्राप्त विद्यालय अष्टम श्रेणी अध्ययन करथु आवश्यक जरे हम कहली। देन नेक्स्ट देखो पिला माने केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल रे पढ़ुथुबा छात्र छात्री ए वृत्ति पाया पे योग्य नुहंती। ओके, जो माने केंद्रीय विद्यालय रे किंबा जवाहर नवोदय विद्यालय रे पढ़ुछंती सेमाने ए परीक्षाटी दे पारिबो नै किंबा ए वृत्ति पाया पे सेमाने योग्य नुहंती। सेहीपरि सरकारी आवासिक विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति उन्नयन विभाग अधीनस्थ आवासिक विद्यालय कस्तूरबा बालिका विद्यालय इत्यादि जेउठारे छात्र छात्री खर्च राज्य सरकार बहन करथुमे सेहीभलि विद्यालय रे अध्ययन करथुबा प्रार्थी माने एही योजना अधीन रे वृत्ति पाइबा पई योग्य हेबे नाही। मंडला, तो एही सब विद्यालय जो माने भी पढ़ुछथि तो सेमाने अप्लाई करबा किछ आवश्यक नै, एग्जाम दबा किछ आवश्यक नुह। ओके, हाँ आउ गोटे कथा पिला माने जो माने ओडिशा आदर्श विद्यालय अध्ययन करुछंती अष्टम श्रेणी। ओके, तो सेमाने एही परीक्षाटी दे पारिबे। ठीक अछि, तापर देखो पिला माने नेक्स्ट आउ गोटे कथा मध्ये एठी कह जाउछि प्रार्थी को पिता माता को वार्षिक आय समस्त सूत्र 350,000 रु अधिक हो नथिबा दरकार, एतिकि आय होइथिबा दरकार। याठु अधिका जदि आय होउथुबो ताहले एही परीक्षाटी दे पारिबो नाही, तुमको इनकम सर्टिफिकेट मध्ये प्रोवाइड करियाकु पड़िबो। देन ओडिशा पई वृत्ति संख्या टोटल केतरा वृत्ति अच्छे पे समुदाय 3314 वृत्ति को राज्यर 30 जिला मध्य आवंटन करा जिवो। प्रत्येक जिला अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक अर्थनैतिक अनग्रसर वर्ग जोटा कि एससीबीसी कह जाउछि और शारीरिक भिन्नक्षम वर्गर प्रार्थी आरक्षण व्यवस्था मध्य अछि, रिजर्वेशन अछि एससी पिलान पई एसटी पिलान पई आ जो फिजिकल हैंडीकैप्ड अछि बा दिव्यांग पिलान अछि सेमानक पई मध्य रिजर्वेशन अछि। तो बर्तमान आम जानवा परीक्षा किभली हेबो, देखो परीक्षार विषय
ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ପତ୍ରରେ ହେବ ବା ଦୁଇଟି ପେପର ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପେପର ହେଉଛି ତୁମର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା MAT। ତ ସେଥିରେ ତୁମର ଟୋଟାଲ 90 କ'ଣ 90 ମାର୍କ ରହିବ, 90 କୋଶ୍ଚିନ୍, 90 ମିନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେପରଟା ରହିବ ତୁମର ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ବା SAT, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 90 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ 90 ମାର୍କର, ଦେନ୍ 90 ମିନିଟ୍, ଓକେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନଟା ତୁମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେପରଟା, ଏଇଟା ତୁମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ସମୟର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ 90 କୋଶ୍ଚିନ୍, 90 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ, ଓକେ। ତ ଯେତେ ଅଧିକା ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତ ଏଇଥିରୁ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ପେପର ୱାନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ MAT ରହିଲା, MATରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସ୍କୋର ଭଲ କରିପାରନ୍ତିନି। ତା'ର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା ଯେ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଓକେ। କାହିଁକିନା 90 ମିନିଟ୍ରେ 90 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପୁଣି MAT ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ବି ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ, ଓକେ। SAT ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଥିବ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ବାହାର, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଦେବ, ଓକେ। ଯଦି ଆସୁଛି କରିବ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ MAT ସେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ତା'ର ଆନ୍ସର ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଓକେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ପେପର ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲା MAT ସେକ୍ସନ୍ରୁ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ। ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଏହି ପତ୍ରରେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି 90 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ, ଯେପରିକି ଯୁକ୍ତି ବା ଯେଉଁଟାକି ରିଜନିଂ କୁହାଯାଉଛି, ଦେନ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆନାଲୋଜି, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ସାଂଖ୍ୟିକ କ୍ରମ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସିରିଜ୍, ଢାଞ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁଟାକି ପାଟର୍ନ କ'ଣ ପରସେପ୍ସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଦେନ୍ ଲୁକାୟିତ ଚିତ୍ର, ହିଡ଼ନ୍ ଫିଗର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଓକେ। ଏଗୁଡ଼ିକ 90 ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ଟା ରହିବ ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ବିଭାଗରେ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ 90 ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 90 ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ପେପର୍ ୱାନ୍, ପେପର୍ ଟୁ 90 ଲେଖେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ 90 କୋଶ୍ଚିନ୍, 90 ମାର୍କ, 90 ମିନିଟ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ, ଓକେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇପାରେ, ଓକେ। ତ ବେସିକାଲି ତୁମର 7th କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 8th କ୍ଲାସ୍ର ବହିଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରା ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ କଭର କରିବ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ 7th ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପୁରା 100% ସିଲାବସ୍ରୁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଗତ ବର୍ଷ ସିଲାବସ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଛି କିଛି ଚାପ୍ଟର ତୁମର କଟିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାହିଁରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି MAT, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର SAT ମିଶିକରି 40% ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ପତ୍ରରେ ମିଶିକରି 32% ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଉଭୟ ପତ୍ରରେ ରଖିଥିବା ମୋଟ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ପେପର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ମିଶିକି ଯେଉଁ 40% ମାର୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ, ଓକେ। ତୁମକୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅଧିକାଧିକ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ବାସ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବୃତ୍ତିର ପରିମାଣ ଓ ଅବଧି, ଓକେ। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେତେ ମାସ ପାଇଁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ଆଧାରରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 4 ବର୍ଷର ବୃତ୍ତି ପାଇବେ, ଓକେ। ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମିଳିବ, 1000 ଟଙ୍କା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଓକେ। ତ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମିଳିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ତୁମର 9ମ, ଓକେ, 9ମ ଶ୍ରେଣୀ, 10ମ ଆଉ 11ଶ, 12ଶ, ଏଇ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହିତ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ NMMS, ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କ'ଣ ମାନେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 9ମ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି 9ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। 10ମ ପରେ ତୁମେ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କିଛି କୋର୍ସ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏହି ବୃତ୍ତି ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେବନି, 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମିଳିବ, ତାପରେ କଟିଯିବ। ଦେନ୍ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 9ମରୁ 10ମକୁ ଏବଂ 11ରୁ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ଯଦି ମଝିରେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା କଟିଯିବ। ଦେନ୍ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ମିନିମମ୍ 60% ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ଯଦି ନ ରଖୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଟିଯିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା, ଓକେ।
तो जो माने ऑब्वियसली जो माने सिलेक्शन होती है आराम से 60% एवव से मार्क रखिदेवे। तापर छात्र छात्री माने वृत्ति पाया प्रत वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रे निजर दरखास्त दाखल करिवे नचत वृत्ति पाइबार वंचित हेबे। प्रति वर्ष से रिन्यूअल करिया पड़ो अप्लाई करिया पड़ो। ओके तापर देखो नेक्स्ट वृत्ति पाई योग्य विवेचित हुई एनएसपी दरखास्त देखा छात्र छात्री दरखास्त को सही स्कूल प्रधान शिक्षक मैंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रे जांच करिवे। ओके स्कूल हेडमास्टर एटा करिवे। देन तापर रहा जो एग्जामटा हम तार कौटी सेन्टर पड़ो यही परीक्षा राज्यर जिला सदर महकुमार सरकारी महाविद्यालय और सरकारी उच्च विद्यालय मानक अनुष्ठित हे। ओके तुम जिलार सदर महकुमा जो थी तो सही कौन गोटे स्कूल सेन्टर पड़ो। तापर देख पे अप्लाई केमी कर तुम्हें देख छात्र छात्री मैंने टीई एंड एस सी ई आर टी वेबसाइट देख ये लिखाई www.ntse.sccertodisha.nic.in या लगइन कर आवेदन पत्र पूरण करें। फर्म पूरण कर सारे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ने फर्म उद्दिष्ट स्थान में पिता माता आवश्यक तथ्य गुड़ी पूरण करने निजे दरखास्त कर स्कूल दाखल करेंगे यहाँ निजे करपर जहाँ भी प्रिंट आउट काढ़ तुमको स्कूल सबमिट करा पड़ो। स्कूल मुख्य स्कूल उद्दिष्ट आवश्यक फर्म आवश्यक बरणी पूरण कर जिला शिक्षाधिकारी निकट में फर्म गुड़िक दाखल करेंगे। ओके ये स्कूल काम। ओके देन जिला शिक्षा अधिकारी फर्म गुड़ी उपयुक्त भाव में जांच करेंगे। परीक्षापी प्रवेश पत्र गुड़िक विद्यालय छात्र छात्री डाउनलोड करेंगे। ओके जहाँ भी किसी तुम आडमिट आसो तुम्हें यहाँ इजिली वेबसाइट डाउनलोड कर। देन बर्तमान जाना समय निर्घंट देख कौन अच्छी छात्र छात्री मानक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरण और यार प्रिंट आउट को प्रधान शिक्षक निकट दाखल केबे करिवो एटा देख तुमर जो ये बर्तमान जो अक्टोबर मस आसू अक्टोबर एक ठू अक्टोबर बैस पर्यंत रहा सफिसीय डेट अच्छी तो यहाँ शीघ्र करदेटा बेटर हम। ओके तापर देख प्रधान शिक्षक दस्तखत और मोहर्स जिला शिक्षाधिकारी तुम जी डीओ अच्छा डीओ निकट में आवेदन करार शेष तारीख रोच 30/10/2022। ओके हाँ यू आरंभ हम यहाँ हूँ शेष 10/11/2022 सुधा से सबमिट करेंगे यहाँ स्कूल काम। तो तुम काम है ये पिला एक तारीख रु 22 तारीख भितर तुम यहाँ ऑनलाइन रे अप्लाई करिवो तापर से प्रिंट आउट काढ़ी तुम जो स्कूल जे भी हेडमास्टर अच्छा सबमिट करदेव बास। तापर विद्यालय छात्र छात्री द्वारा परीक्षा में मते प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे केबे हम यहाँ आडमिट कार्ड तुम डाउनलोड हम 20/11/2022 रु 4/12/2022 मध्य तुम्हें डाउनलोड करपरिवो। तापर परीक्षार तारीख देख पे एग्जाम हम तुम 4/12/2022 डिसेंबर 4 तारीख दिन हम। ओके तो चैनल को समस्ते सब्सक्राइब कर रखि था पे आगामी दिन में जहाँ भी किसी डिटेल्स प्रोसीजर मुझे तुमको बुझेबी केमी तुम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर केमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सबकि तुमकारी मुझे हेल्प करी सहित तुम जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट क्लासेस अच्छे मुझे क्लासेस तुम करी। ओके चैनल को सब्सक्राइब कर सबकि तुमकारी प्रोवाइड करी। देन तापर रहा आवश्यक प्रमाणपत्र दाखल कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स देखो पड़ो छात्र छात्री मैंने आवश्यक प्रमाणपत्र सहित आवेदन पत्र दाखल करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति एवं सामाजिक अर्थनैतिक अनग्रसर वर्ग प्रार्थी मानक जातिगत प्रमाणपत्र तुम जो कैस्ट सर्टिफिकेट अच्छे से देवा पड़ो और पिता माता आयर प्रमाणपत्र देवाक पड़ो तुम तहसिलदार अफिस् जो तुम्हें इनकम सर्टिफिकेट आनीटा प्रोवाइड करा पड़ो और भिन्नक्षम प्रार्थी मान प्रमाणपत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त होगा वांछनीय। ओके जो मैंने फिजिकल हैंडिकैप्ट अच्छा तो से जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जोटा पाइव से प्रोवाइड करा पड़ो। आय प्रमाणपत्र नथिबास्थले राशन कार्ड अन्नपूर्णा योजना अंत्योदय योजना मो कुड़िया योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे। ओके जो मानकर इनकम सर्टिफिकेट ना। ओके इनकम सर्टिफिकेट जदि बापा माँ को जदि नथिबो ताहले से माने जो राशन कार्ड अच्छी राशन कार्ड रो जेरेक्स करेंगे। अन्नपूर्णा योजना अंत्योदय योजना मो कुड़िया योजना या भितर जदि कौन भी गोटे कोटागुरु जदि जाऊ प्रमाणपत्र थी जदि ताहले एटा को नहीं मध्य देपरिबे। देन एही कार्ड गुड़िक केवल छात्र छात्री बापा किंबा माँ को नाँ थी आवश्यक नचे यह ग्रहणजोग्य हम ना। ओके बापा कि माँ को नाँ थी दरकार ऑनलाइन माध्यम दरखास्त कर दरखास्तर अविकल नकल सहित संपृक्त उपरलिखित तथ्य संबलित पद्धति प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री और प्रार्थी द्वारा स्वाक्षरित 22/10/2022 सुधा जिला शिक्षाधिकारी अधिकारी निकट में पहुँचा वांछनीय। यह परवर्त समय पहुँची दरखास्त गुड़ी ग्रहण कर। ओके यापर जहाँ भी किसी जो मैंने अप्लाई करेंगे तो सीटा को ग्रहण करें। ओके तो ये तुमको विशेष अपडेट आशा करुच्छी भिडियो मध्यम कम्प्लीट इनफर्मेसन पाई सारी
तो जो माने भी अष्टम श्रेणी वर्तमान अध्ययन करुछंती जदि तुम्हें NMMS परीक्षा देवाई इच्छुक अच ओके स्कॉलरशिप पाइबापी जदि इच्छुक अच ताहले तुम्हें ऑनलाइन रे फॉर्म अप्लाई कर पारिबो। डेट मुझे तुमको डिटेल्स बुझेदी केमी कौन कर आगामी दिन में तार प्रोसीजर कहीदेवी। तो तुम प्रिपेरेशन स्ट्राटेजी तुम्हें किभली अप्लाई कर तुम प्रति माने असुविधार मुझ तुमको रास्ता देखेबी ओके। तो चैनल को समस्ते सब्सक्राइब को रखि था पाने सबकि इनफर्मेशन मो द्वारा जहाँ भी किसी संभव तुमको साय करने चेस्टा करी। तेज चल पाने आज भिडियो को ये शेष करवा। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।